प्रेगनेंसी के दौरान ये जानने की क्यूरियोसिटी सभी कपल्स के मन में रहती है कि उनका होने वाला शिशु लड़का होने वाला है या एक लड़की होने वाली है, क्योंकि सभी कपल्स ये चाहते हैं कि वो शिशु के आने की तैयारियां अच्छे से कर सके और इस दौरान गर्भवती महिला के शरीर में जो भी बदलाव हो रहे होते हैं कपल्स उन्हें नोटिस करने लगते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले जब डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे उस दौरान डिलीवरी दाइयों के द्वारा करवाई जाती थी और दाइयां गर्भवती महिला को देखकर ही आइडिया लगा लेती थी कि उनका होने वाला शिशु क्या होने वाला है और लगभग दाइयों का जो ये अंदाजा था ये सही भी साबित होता था। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए गए हैं और काफी पहले से प्रचलित है, जिनसे घर पर ही लोग ये आइडिया लगा लेते थे कि उनका होने वाला शिशु क्या होने वाला है। तो अगर आपके मन में भी क्यूरियोसिटी चल रही है कि आपके गर्भ में क्या पल रहा है, एक लड़का या फिर एक लड़की, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला लक्षण है पैरों में होने वाले बदलावों को देखकर। प्रेगनेंसी के दौरान ही कहा जाता है कि जब गर्भवती महिला वॉक के लिए जाती है या फिर कहीं बाहर जाती है और उस दौरान अगर उनका पहले राइट पैर उठता है तो इसका ये मतलब निकाला जाता है कि गर्भ में एक लड़का पल रहा है। वहीं अगर गर्भवती महिला का लेफ्ट पैर पहले उठता है तो ये माना जाता है कि गर्भ में एक लड़की पल रही है। दूसरा लक्षण आपको आपके पैरों में ही देखना है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है, पैर पहले से ज्यादा मोटे हो गए हैं, तो इसका ये मतलब निकाला जाता था कि गर्भ में एक लड़का पल रहा है। तीसरा लक्षण है अगर आपके लेफ्ट पैर में दर्द हो रहा है, यानी कि पूरी प्रेगनेंसी आपके लेफ्ट पैर में हल्का फुल्का दर्द बना हुआ है तो इसका ये मतलब निकाला जाता था कि गर्भ में एक लड़का है। वहीं अगर राइट पैर में दर्द रहता है तो इसका ये मतलब निकाला जाता था कि गर्भ में एक लड़की पल रही है। चौथा लक्षण है दोस्तों एड़ियों को देखकर। ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला की एड़ियां बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, एड़ियों में कोई भी बदलाव नहीं है, एड़ियां पहले से मुलायम हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि गर्भ में एक लड़का पल रहा है। वहीं अगर गर्भवती महिला की एड़ियां पहले से ज्यादा फट चुकी हैं, उनमें क्रैक्स आ गए हैं, तो इसका मतलब निकाला जाता था कि गर्भ में एक लड़की पल रही है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है, यानी कि उनकी स्किन पहले से ज्यादा चमकदार हो गई है, स्किन के जो दाग धब्बे हैं वो गायब हो चुके हैं, कोई भी पिंपल्स, डार्क सर्कल या फिर छाइयां नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब निकाला जाता था कि गर्भ में एक लड़की। वहीं अगर गर्भवती महिला के चेहरे पर छाइयां पड़ गई हैं, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो रहा है, कील मुहासे निकल रहे हैं, तो इसका ये मतलब निकाला जाता था कि गर्भवती महिला लड़के को जन्म देने वाली है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के बाल पहले से ज्यादा मुलायम हो गए हैं, पहले से ज्यादा लंबे हो गए हैं, ज्यादा चमकदार हो गए हैं, तो इसका भी मतलब निकाला जाता था कि गर्भ में एक लड़का पल रहा है। लेकिन अगर बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गई है, बाल पहले से ज्यादा झड़ने लग गए हैं, पहले से ज्यादा मुरझाए हुए लग रहे हैं, तो इसका मतलब निकाला जाता था कि गर्भ में एक लड़का पल रहा है। साथ ही अगर आपको खाने पीने की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, आपको जो चीजें पहले पसंद नहीं थी वो अब आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी है, जो चीजें आपको पहले पसंद थी वो अब आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब निकाला जाता था कि होने वाला शिशु लड़का होने वाला है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ लक्षण जो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए जाते हैं और जिन्हें देखकर वो आइडिया लगा लेते थे कि होने वाला शिशु लड़का होने वाला है या एक लड़की होने वाली है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि इनका साइंटिफिक आधार नहीं है, इसलिए आपको इन्हें अन्यथा नहीं लेना है। तो वीडियो को समाप्त करती हूं, धन्यवाद।